मुरादाबाद जनपद के रहने वाले एक चौकीदार ने अपने वेतन को दो बराबर हिस्सों में बांटकर अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर और मस्जिद को दान करते हुए एक अनोखी मिसाल कायम की है। नईम आलम थाना मंझोला इलाके भोला सिंह मिलक उर्फ सोनकपुर देहात के मूल निवासी हैं और थाना क्षेत्र के एक गांव में बतौर चौकीदार हैं। इन्हें 2500 प्रतिमाह वेतन मिलता है। इन्होंने दो धर्मों में सौहार्द कायम करते हुए अपने वेतन को दो हिस्सों में बांटकर मंदिर और मस्जिद के अकाउंट में जमा करा दिए हैं और इस बाबत एक पत्र सौंपते हुए डीएम मुरादाबाद को भी अवगत करा दिया है। मुरादाबाद के नईम आलम ने उन राजनीतिक लोगों को बड़ा संदेश दिया है जो दोनों धर्मों को आपस में लड़वाने के लिए धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले बयान देते रहते हैं। मात्र 2500 का पारिश्रमिक पाने वाले नईम आलम ने मंदिर मस्जिद के लिए चंदा देकर उन्हें सांप्रदायिक स्वाद बनाए रखने का पाठ जरूर सिखाया है। नईम आलम अपने इस कदम को सही मानते हुए कह रहे हैं कि देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के धार्मिक स्थानों में अपना सहयोग देना चाहिए, तभी जाकर ये देश तरक्की कर सकता है। राम मंदिर और मस्जिद में एक साथ चंदा देकर वो और उनका परिवार बहुत खुश हैं। उन्होंने मुरादाबाद डीएम को भी इस संबंध में एक पत्र सौंपा था और अपने उठाए गए कदम के विषय में भी जानकारी दी थी। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। कौन से गांव में रहते हैं आप? मेरा भोला सिंह। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? 60 साल की, 70 की। क्या बदलाव देखे हैं हिंदुस्तान के अंदर? हैं? क्या बदलाव देख रहे हो पहले के मुकाबले और अपने, क्या बदलाव देख रहे हो आप? पहले और बदलाव तो आपके हो रहे हैं, ये सब सही हैं। हमें तो जैसे जैसे पहले है ऐसे अब हैं, सब सब कुछ एक से ही समझ रहे हैं। मुसलमानों में तरह तरह की बातें होती थी, अब आपके बेटे ने ऐसी पहल की है कि उन्होंने अपनी अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा मंदिर को दिया है, आधा मस्जिद को दिया है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? तो क्या कहना चाहिए, दे दे तो सही है। हमने यही कह दी बेटे, जितना भी काम करो नेक काम करो और सब एक होकर रहो, हिंदू मुस्लिम कुछ मत, हम तुम्हें मारें, हम वो हमें मारें, इससे कोई फायदा नहीं। जब तक की जिंदगी इतनी सी जिंदगी है, आज मेरे कल को दूसरा दिन है, क्या बुराई खींच लोगे? तो ये है साहब, नहीं चाहती है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? नई चांदी कहाँ है? अब यही है, हमें कहाँ देखने मिलेगी थी नई चांदी? क्या कहना चाहोगे उससे, क्या संदेश देके जाओगे आपने? यही संदेश देके जाऊँगा, आगे किसी से राड़ मत करियो भैया, और किसी से दुश्मनी मत करियो, मार काट मत करियो, बस ये है कि बड़े हिंदू मुस्लिम बहुत प्रेम से रहना चाहिए, बस यही है। मेरा नाम मोहम्मद नईम आलम है। नईम जी, क्या काम करते हैं? मैं थाने में चौकीदार हूँ, ग्राम भोला सिंह की मिलक से। कौन सा थाना? थाना मझोला। आपने अपनी जो पूरे महीने की तनख्वाह है जी, वो दान करनी है, क्या पूरा मामला है? सर, मैं ये चाहता हूँ और ये दान करने का मकसद मेरा यही है, क्या आपस में मतलब इत्तेफाक बना रहे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहे, और जो नेता लोग हैं जो इन्हें चढ़ाते हैं, ये करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो मैं उन्हें इसी उससे पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तरीके से ना लोग बाग इनके कहने में आएँ और आपस में मिलजुल के ये काम करें, हम उनके उसमें काम करें मंदिर में, वो हमारे उसमें आए मस्जिद में, कोई एतराज़ नहीं है। कौन से मंदिर और मस्जिद के लिए आपने काम किया? ये अयोध्या में जो राम मंदिर है उसे आधी तनख्वाह दी है मैंने, और आधी तनख्वाह वहीं अयोध्या में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश करके जो मस्जिद दी, वो जगह दी है 6.5 एकड़, तो उसमें जो मस्जिद बन रही है तो उसमें दान किए मैंने आधी तनख्वाह, मतलब एक तनख्वाह 2500 रुपये की मिलती है, उसे मैंने डिवाइड कर दिया दोनों जगह। और जो लोग हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर जी, इसको किस तरह से? सर, ये तो उनका नज़रिया गलत है, और जो ये इस तरीके से करते हैं, मैं उनको पढ़े लिखे नहीं समझता, मैं उनको अनपढ़ समझता हूँ। मेरे हिसाब से वो अनपढ़ हैं, और जो ये लड़ाते हैं और लड़वाते हैं वो बिल्कुल, मैं अपने मेरे दिमाग से वो जाहिल हैं, क्योंकि इंसान सब एक ही है, किसी के माथे पर मोहर तो लग नहीं रही कि वो हिंदू है वो मुसलमान है, ऊपर वाले के यहाँ से सब एक ही रास्ते से आते हैं और फिर एक ही जगह उन्हें वापस जाना होगा। अच्छा, आपने
जी सर बताया मैंने, ये इसमें मेरे मम्मी पापा का सहयोग है बहुत। इन्होंने कहा ये तो शुरू से हमें यही सिखाते हैं कि अच्छे काम करो और किसी में मतलब ये नहीं हो, लड़ाई दंगा हो, वो हिंदू वो मुस्लिम, ये हमें सिखाते आए शुरू से। हम पहले भी हर जगह जहाँ मेरे दोस्त हैं, इतने सारे हिंदू दोस्त हैं सब, मैं उन्हीं में रहता हूँ, बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और यही हमारे माँ बाप सिखाते हैं कि आपस में प्रेम से रहो। अच्छा, आपने आकर के बताइए अपने घर पर तो कैसा रेस्पॉन्स मिला? नहीं नहीं, मैं तो मम्मी पापा से बता के गया था कि मैं ऐसे ऐसे करने जा रहा हूँ, आपकी राय क्या है? इन्होंने कहा ठीक है, अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया है, कर दीजिए आप, हम इससे सहमत हैं। इन्हीं के कहने से मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हमारे माँ बापों की, फैमिली की, सबकी चाहत थी कि हम ऐसा करें। आपने अपने उच्च अधिकारियों को भी इस मामले में बताया? उच्च अधिकारी जो हैं सर, डीएम साहब के यहाँ मैं गया था प्रार्थना पत्र लेके, तो उन्होंने प्रार्थना पत्र पढ़ा और कहा कि ठीक है आप जो है प्रार्थना पत्र तो ले लिया उन्होंने मेरा। कहे कैश देने के लिए मैं गया था वहाँ, उन्होंने कहा कि आप जो है बैंक में जमा कर दें और ऑनलाइन जमा कर दें। तो राम मंदिर का तो बैंक में जमा हो गया, स्टेट बैंक कचहरी पे है, और वो मैंने ऑनलाइन कर दिया मस्जिद के लिए पैसा। अच्छा, आपने जब डीएम साहब को वो लेटर दिया था तो डीएम साहब ने कुछ उत्साह करा आपका? जी, उन्होंने बड़े उससे देखा उन्होंने, और बाकी और कुछ नहीं कहा उन्होंने, मुझे प्यारी नज़रों से उन्होंने देखा अच्छी तरीके से। और शाबाशी भी डीएम साहब ने आपको इसके लिए दी? जी हाँ, कि अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो है जाइए और कर लीजिए, आपका प्रार्थना पत्र हमारे पास है। और लोग जो इन चीज़ों के लिए पीछे हट रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि लोग एक दूसरे के बुराइयां करते चल रहे हैं, ऐसे में उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आगे बढ़े और इसी तरह से एका दिखाएं? सर आसानी से तो हम आगे ऐसी रास्ते पर चलते रहेंगे, हमने तो ये कर ही लिया है, जहाँ बुराई होगी वहाँ हम पहुँचेंगे, और इस तरीके से हम काम अच्छे अच्छे करेंगे तो उनके मुंह पे खुद ही तमाचा लगेगा। और जो मेरे ये वीडियो देखना चाह रहे हैं, जो देख रहे हैं देखेंगे, तो उन्हीं से सभी से मैं यही कहूँगा कि आगे बढ़ें, मंदिर के लिए भी बढ़ें और मस्जिद के लिए भी आगे बढ़ें, जितना हो सके इतना करें और दोनों में सहयोग करें, जिसके पास नहीं है तो नहीं करें, मगर ये सौहार्द जो है हमारे हिंदुस्तान का उसे ख़राब ना करें। उनसे मैं यही कहूँगा कि ये हमारा हिंदुस्तान है, हम एक गाड़ी के पहिए हैं, अगर जो पहिया हट गया तो समझ लो गाड़ी नीचे गिर जाएगी और दूसरे मुल्कों को हमारे देश में घुसने का मौका मिल जाएगा, उन्हें कमजोरी पता चल जाएगी, जैसे चीन है, पाकिस्तान है। देखिए, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो ये हमारा घर है, ये हमारा देश है, हमारे सब बहन भाई हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो। और ऐसा नहीं है, मैं सब चर्च में भी जाता हूँ और गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, प्रार्थना भी सुनता हूँ, दुआ भी करता हूँ चर्च में जाके, ऐसा नहीं है, मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ।